वहीं आज के दौर में लोग हेरा फेरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनका ईमान जिंदा है। ऐसे ही एक शख्स हैं बुरहानपुर के महेश सोनवर, जिन्होंने गलती से बैंक अकाउंट में आए 1 करोड़ रुपए व्यापारी को वापस लौटाने में देरी नहीं की। महेश चाहते तो तुरंत ही राशि अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल महेश सोनवर ने अपने मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए ऐप खोला तो अकाउंट देखकर वो हैरान रह गए। अचानक अकाउंट में उन्हें 1 करोड़ बैलेंस दिखाई दिया। कुछ देर बाद तो वो समझ ही नहीं पाए कि इतना पैसा कहां से आ गया। उन्होंने अपने दोस्तों को फोन लगाया, फिर उन्होंने गहराई से अपने अकाउंट की डिटेल चेक की तो पता चला कि एक सराफा व्यापारी का अकाउंट बैंक की गलती से उसके अकाउंट से मर्ज हो गया है। महेश तुरंत ही इस व्यापारी की दुकान पर पहुंचा और उन्हें इसकी जानकारी दी। उधर व्यापारी ने भी अपनी रकम वापस मिलने पर राहत की सांस ली। इतना अमाउंट तो मेरा नहीं है, तो फिर मैंने है ना क्या बोलते वो वैसे के वैसे ही रहने दिया और मैंने इन तक के मैसेज पहुंचाया कि आपके अकाउंट मेरे में ओपन हो चुके हैं और मेरे अलावा कोई दूसरे का पास ओपन ना हो जाए और आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए आप सतर्क हो जाए और थोड़ा ये जो प्रॉब्लम हो गई है वो सेफ कर लो। कितना अमाउंट का फ्रॉड हो सकता था? कम से कम 80 लाख के अभाव का फ्रॉड हो सकता था। 80 लाख एंड अभाव ये निकाल सकते थे जिसके भी दूसरे के मोबाइल में चले जाते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आखिरी में इंसान को सब कुछ यही छोड़कर जाना पड़ता है। मुझे पैसे में जीवन में कभी कोई महत्व नहीं है, मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ का महत्व है कि हर किसी से बस प्यार और व्यवहार जो रहता है वो एक ही चीज़ रहती है जो आखिरी में साथ जाती है, बस उसे ही निभाना मुझे आता है। मेरा अकाउंट जो है बैंक का वो इनके अकाउंट में दिख रहा है, इनके मोबाइल में दिख रहा है। अब ये टेक्निकल एक फॉल्ट ही कह सकते हैं इसको बैंक की तरफ से कि कैसे क्या मेरे अकाउंट की लिंक इनके पास जा रही है, तो वो तो बैंक के खुलने के बाद ही हम बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा साधुवाद भैया का दे सकते हैं कि इन्होंने हमको इन्फॉर्म कर दिया, वो चाहते तो इसके अंदर कुछ भी कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आके मुझे इन्फॉर्म किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।